ना, पास्ट परफेक्ट में ना बड़े बच्चे भी बड़े कंफ्यूज रहते हैं, इसको ध्यान से समझिए। मैंने आपको परफेक्ट में बार बार बताया, परफेक्ट में क्या होता है, एक काम ऑलरेडी हो चुका होता है। परफेक्ट में क्या है, एक काम आपके पास में ऑलरेडी हो चुका होता है, तब हमें बता, हाँ जी, तब हमें जो है वो बताया जाता है दूसरे के बारे में। ठीक है, जैसे देखो, आई हैड सीन हिम बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार। भाई दो काम हुए हैं यहाँ पे, ध्यान से समझेंगे, दो काम हुए हैं यहाँ पे। क्या दो काम हुए हैं हमारे पास में, एक काम हुआ है देखने का, दूसरा काम हुआ है गाड़ी के रुकने का। अब कहते हैं आई हैड सीन हिम बिफोर ही स्टॉप हिज कार, तो पहले क्या हुआ, पहला काम हुआ देखने का, पहला एक्शन क्या हुआ हमारे पास में, देखने का। दूसरा एक्शन हुआ उसने गाड़ी को रोका, दूसरा एक्शन हुआ उसने गाड़ी को रोका हमारे पास में। तो पास्ट परफेक्ट कहाँ यूज करते हैं, जिसमें से एक काम ऑलरेडी का हो, के होने से पहले दूसरा काम हमारे पास में। अब यहां देखो, जो सेकेंड एक्शन है वो किस में है, पास्ट टेंस में, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ रही है ना सिर्फ, पास्ट टेंस में। तो पहला एक्शन जो होता है हमारे पास में वो पास्ट परफेक्ट, क्या बोला भाई, किसी एक काम के होने से पहले वो काम हो चुका है, तो इस काम के होने से पहले ये काम हो चुका है, इसलिए आया पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, जैसे बिफोर बिफोर ही अंडरस्टूड, बिफोर ही अंडरस्टूड एनीथिंग, द रॉबर हैड फ्लीड, द रॉबर हैड फ्लीड, फ्लीड भाई जो रॉबर था, चोर था, इससे पहले कि वो कुछ समझता। तो पहला काम क्या हुआ, रॉबर का, चोर का, भागने का, उसके बाद में उसको समझ में आया, है कि नहीं। तो पहला काम क्या हुआ, चोर का, भागने का, उसके बाद में उसको समझ में आया कि अरे ये तो चोर था, है कि नहीं। तो पहला एक्शन देखो क्या है आपके पास में, पास्ट परफेक्ट। पहला एक्शन क्या है आपके पास में, पास्ट परफेक्ट। और ये क्या है, पास्ट हाँ जी, और ये क्या है आपके पास में, सिंपल पास्ट टेंस। अच्छा, मैंने सिंपल नहीं लिखा था यहाँ पे, ये क्या है आपके पास, सिंपल पास्ट टेंस। परफेक्ट। पक्का समझ में आई बात। तो जब दो एक्शंस की, वेरी गुड लक्ष्य, जब दो एक्शंस की बात हो रही है हमारे पास में, तब इसका यूज होगा। याद क्या रखना है, पहला एक्शन हमेशा पास्ट परफेक्ट में होता है, दूसरा एक्शन हमेशा पास्ट टेंस में होता है हमारे पास में। दो सेंटेंस लिख रही हूँ, बताना है कौन सा सेंटेंस सही है। आई मेट हिम, आई मेट हिम आफ्टर आई फिनिश माई वर्क, आई मेट हिम आफ्टर आई फिनिश्ड माई वर्क। समझ में आई बात, पहला सेंटेंस ये है। इसका दूसरा सेंटेंस, एक सेकेंड, आपकी 1:30 तक है ना मेरे साथ। आई मेट हिम आफ्टर आई फिनिश माई वर्क, दूसरा सेंटेंस है आपके पास में, आई मेट हिम आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। बताइए कौन सा करेक्ट है, पहले वाला, दूसरे वाला, मैम सेकेंड वाला करेक्ट है, वेरी गुड। कहता है आई मेट हिम आफ्टर आई फिनिश माई वर्क, तो सीधा सा पता चल रहा है भाई, ये आई मेट हिम क्या है आपके पास में, सेकेंड एक्शन है, क्योंकि आप कब मिले, जब उसका काम खत्म हो गया। आई हैड फिनिश माई वर्क फर्स्ट एक्शन है।
अब फर्स्ट एक्शन क्या होता है आपके पास में? पास्ट परफेक्ट में होता है। पहला एक्शन क्या होता है? पास्ट परफेक्ट में होता है। सेकेंड एक्शन सिंपल पास्ट टेंस। सेकेंड एक्शन सिंपल पास्ट टेंस में होता है आपके पास में। समझ में आ गई बात? तो अगर इसका यस हम मैम, फॉर्मेट बात करें, हाँ जी, अगर आप पास्ट परफेक्ट टेंस के फॉर्मेट की बात करें तो पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मेट क्या होता है? इट इज सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है? और नेगेटिव क्या हो जाएगा आपके पास में? वेरी गुड। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरगेटिव वेरी गुड। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। समझ में आई बात? पक्का? ऐसा लग रहा है ध्यान नहीं है यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस भाई, फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है आपके पास में? फ्यूचर मतलब भविष्य, फ्यूचर मतलब भविष्य, परफेक्ट मतलब काम खत्म हो गया, परफेक्ट मतलब काम खत्म हो काम गया। खत्म हो गया। हाँ जी, तो जब हम भविष्य में बात कर रहे हैं कि भविष्य में इस समय तक एक काम खत्म हो जाएगा। व्हेन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर, व्हेन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम टाइम इन फ्यूचर एन एक्शन विल बी कंप्लीटेड। भाई उस समय तक आपका एक काम फ्यूचर में पूरा खत्म हो चुका होगा, तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे यू विल हैव फिनिश्ड योर सिलेबस बाय दिस टाइम। एट नहीं बेटा, एट तो पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है, फ्यूचर के लिए बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। यू विल हैव फिनिश्ड योर सिलेबस बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर तक, 31 मार्च तक अगले साल तुम अपने सिलेबस कंप्लीट कर चुके होगे। भाई सिलेबस क्या, हम तो एग्जाम भी कंप्लीट कर चुके होंगे, रिजल्ट आ चुका होगा, है कि नहीं? समझ में आई बात? तो फ्यूचर में एक समय तक जब एक काम खत्म हो जाता है तो वो होता है फ्यूचर परफेक्ट, वो होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हाँ जी, तो फॉर्मेट क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेगेटिव नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और क्वेश्चन मार्क इंटरेटिव सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। वेरी गुड, क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गई बात? अब सेम चीज इसमें भी वैसी होती है हमारे पास में, कि हमारे पास दो एक्शन होंगे ना हमारे पास में। जैसे देखो, बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन, पिटाई हो जाएगी, आई रीच द स्टेशन
द ट्रेन विल हैव लेफ्ट. भाई मैं लेट हूं और मैं स्टेशन पहुंचूंगा. अब ये क्या है, देखो स्टेशन पहुंचूंगा सिंपल पास, सॉरी सिंपल पास्ट नहीं सिंपल प्रेजेंट, पहुंचूंगा अभी की बात हो रही है ना, सिंपल प्रेजेंट. द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी होगी, फ्यूचर परफेक्ट. तो पहला काम क्या है, ट्रेन आपके पास में फ्यूचर परफेक्ट में. अब इसका ऐसे आई रीच टू द स्टेशन, लेफ्ट ट्रेन है भाई, जब तक मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन जा चुकी थी. बस क्या है, ये मैंने वहां पहुंचने से पहले, ये मैंने वहां पहुंचने के बाद में बोली है. तो यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया सिंपल प्रेजेंट, नहीं सॉरी सिंपल पास्ट. आई रीच द स्टेशन है ना, पहुंचने के बाद बोली, मेरा पहुंचने का काम हो गया. और पास्ट परफेक्ट, ट्रेन तो उससे पहले छूट गई थी मेरी, समझ में आई बात पक्का वाली. आज अदर देन ज्ञान क्या दी ये फटाफट दिखाइए, फिर उसी की प्रैक्टिस करा देती हूँ ना. देख लो एक बार, कोई डाउट है तो. लक्ष्य आपको कोई डाउट है? ओके नो मैम, गॉड. क्या हो गया? अच्छा कुछ बोल रहा हूँ. चलिए मैं आपको सेंटेंस देती हूँ, कहाँ से स्टार्ट करें? उधर से पीछे वाले कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे आज. द डॉक्टर डैश अराइव बिफोर द पेशेंट डाइड. अभी मत लिखो, विल गिव यू टाइम, अभी सिर्फ समझो. अभी सबका यहाँ पे ध्यान होना चाहिए, जो जो बताएगा वो तो बताएगा ही, बाकियों को उसकी गलती भी पकड़नी है. ठीक है शू, डॉक्टर मर गया जब पेशेंट आया. क्या बोल रहा है, पेशेंट मर गया भाई जब तक डॉक्टर पहुंचा. डॉक्टर को क्यों मार रहा है बताइए, क्या होगा? द डॉक्टर बिफोर क्या हो, सब्जेक्ट बोलो सब. हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है,
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डॉक्टर हैड,